हेलो दोस्तों, प्रभास के फैंस के लिए है बड़ी खबर कि प्रोजेक्ट के का टीजर सामने आ गया है। ये टीजर अपलोड कर दिया गया है, इस पे रिव्यूज आ रहे हैं और बेस्ट रिव्यूज पॉजिटिव हैं। जी हाँ, ये एक अच्छा टीजर है। अगर चाहे इस पे सुपरमैन और ड्यून का इफेक्ट बहुत वाजे दिखाई देता है और इसके बैकग्राउंड स्कोर पे भी हॉलीवुड की बड़ी सुपर हीरो फिल्म्स के म्यूजिक का असर दिखाई देता है। इसके बावजूद हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा टीजर है जो सिनेमा को आगे की तरफ लेके जाता है, ना कि पीछे की तरफ, जैसे कि आदि पुरुष के ट्रेलर और टीजर में हुआ था। अगर हम बात करें प्रभास की, तो इस टीजर में खासे इंप्रेसिव लग रहे हैं। अगर हम उनकी फिल्म्स में जो बाहुबली की बात उन्होंने की सलाह को निकाल दें और काउंट करें साहू को, आदि पुरुष को और राधेश्याम को, तो हम कह सकते हैं कि वो दोबारा से अपने बाहुबली लुक में आए हैं। उनके अंदर वही इम्पैक्ट, वही पावर दिखाई दे रहा है जिसका तजुर्बा हमने कुछ हद तक बाहुबली में किया था। तो अगर आप सलाह को माइनस कर दें तो हम कह सकते हैं कि बाहुबली के बाद ये उनका बेहतरीन अवतार है। तो ही वॉज लुकिंग गुड। दीपिका के ग्लिम्स दिखाई दिए, दीपिका भी इंप्रेसिव लग रही हैं। बच्चन सर की सिर्फ आईज नजर आई और कहीं दूर हमें कमल हसन दिखाई देते हैं, मगर जब ट्रेलर आएगा, मजीद डिटेल्स आएंगी, तब पता चलेगा कि लोग किस तरह के किरदार निभा रहे हैं। मगर ओवरऑल ये एक इंटरेस्टिंग टीजर है, अच्छा टीजर है। और ये भी बताया है कि प्रोजेक्ट के का मतलब क्या है और ये कहानी किस ईयर में होने वाली है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि प्रोजेक्ट के का क्या मतलब है और ये कहानी कब की है, तो फौरन ये टीजर देखें। और हाँ, कमेंट जरूर करें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों, जल्द मिलेंगे। खुदा हाफिज़।